काफी दिनों बाद नूर की बहुत ब्यूटीफुल स्माइल दिखी है, बिल्कुल चार्मिंग स्माइल, बिग बिग। मम्मी को देखो, तुम ऐसे क्यों डरा रहे हो उसे? मैं डरा नहीं, मैं बिंदी लगाई, वो मुझे प्यार कर रही है। मम्मी 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 मम्मी, इट्स मम्मी नूरू, इट्स मी नूरू। तुम पता कैसे लग रहे हो? प्लीज डोंट टेक मी, मुझे सुनना भी नहीं है। वो वैम्प्स नहीं होते सीरियल में, रसोड़े में क्या था टाइप? गॉड नूर, हाय माय डार्लिंग नूरा, हाय क्यूटी पापा। क्या हो गया, क्या हो गया? आज भैया ने उसको उठाया, हाँ, कैमरा से, उसने मेरे फोन से कैमरा से बात करी। अच्छा, आवाजें दी उसको। ये मैंगो आए कहाँ से? सीजन तो खत्म है मैंगो का। नानी जी चाहिए कुछ स्पेशल मैंगो। क्या मैंगो? नूर रुको, सफेद ही हो, ग्रीन वाला। तब वो आप मत खाओ, आपको लास्ट एनर्जी हो गई थी। नूर अच्छा लग रहा है आपको? हाउ इज इट? Is it nice? क्या? नहीं नहीं कबू, आपको पिछली बार एलर्जी हुआ था, रहने दो। कबू मत खा, कबू एड्रिल लगाना पड़ा था यार। देखो खड़ी हो जाती है, अब वो अपने आप ही ना पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। What's happening? अरे she's climbing the stairs. Look at her. Look at her. What's happening? मैंने हल्का पकड़ा हुआ है बिल्कुल। Presenting the Noor of our eyes, little Noor. Noor, say show hi me. To daddy. Say hi to the camera. Say hi. Hi, Noor. How are you, baby girl? Noor ne kya kya naya start kiya hai, mano batao zara. Noor ne ye cruising start kari hai, ek to. Cruising bola to? Ki wo pakad ke side to side chalti hai. Acha. Aur dusra, ab uska ek aur naya hai ki wo yahan jab khadi hoti hai to wo upar chadh jati hai. Haan, uska to footage hai mere paas. Haan, to ye. Haan? ये भी नहीं है। तो डांटना भी स्टार्ट कर दिए। नूर कैसे करते हो? टैट। क्या बोलते हो? कम ऑन नूर, कम इनसाइड। हाँ मैंने फिगर आउट कर लिया कि इसको एनिमल्स बहुत पसंद है। अच्छा। एनिमल्स को देख के बात करती है। अच्छा। अच्छा यहाँ पे भी? जैसे सबकी अपनी लाइकिंग होती है ना, इसकी एनिमल्स है। उसका फेवरेट सॉन्ग भी एक सफारी या जंगल सॉन्ग है चुचू टीवी का, जहाँ पे हाँ एक बस के अंदर सारे बच्चे जाते हैं जंगल में, और बीच बीच में अलग अलग एनिमल्स आते हैं, लायन वगैरह। बड़ा खुश हो जाती है वो देख के। क्या करें, कैसे आओगे बाहर अब? तो नूर को अपना जंपरू जो है वो बहुत पसंद है, ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब यहाँ पे 5 मिनट मेरे ख्याल से वो एक्टिवली एंगेज रहती है, खेल लेती है सारी चीज़ों से, इनको ऐसे ऐसे मार देती है और ये चीज़ें घुमा लेती है, ऐसे करके खेल लेती है। उसके बाद बोर हो जाती है, रोने लग जाती है कि मुझे यहाँ से निकालूँ, कुछ और खेलूँ। ओके, एक बार इस हाथ से और एक बार इस हाथ से, हैंड चेंज अगेन, वेरी गुड नूर, वेरी गुड मोटर एक्टिविटी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड। हैप्पी और नॉट हैप्पी? एंग्री अ लिटिल? हैप्पी विद द एलिफेंट और एंग्री विद द एलिफेंट नूर? कोई मुझे तंग ना करे मेरे और मेरे गेम के बीच में। वेरी गुड, वेरी नाइस। हे गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होगे, हम भी अब बेटर हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी विशेज़, आप लोगों ने नूर की रिकवरी के लिए इतनी सारी विशेज़ दी पिछले वीडियो में, एंड नूर एक्चुअली इज़ डूइंग बेटर, उसकी तबीयत में बहुत फ़र्क है। थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा, बिकॉज उसको जो इस बार वायरल ने पकड़ा वो काफ़ी मेजर वायरल था। तो मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि यू नो मेरी लर्निंग्स क्या रहीं इस दौरान, बिकॉज इस टाइम पर इतना ज़्यादा फैल रहा है कि काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है। बट उससे पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। सो कबीर और नूर की पहली राखी है जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब कबीर भी बहुत एक्साइटेड है।
तो हम उसको कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि राखी 11th अगस्त की है या 12th अगस्त की है, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है. सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि राखी की डेट क्या है, एंड यू नो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, और उस व्लॉग को मिस नहीं करना. नाउ कमिंग बैक टू नूर्स हेल्थ अपडेट. सो गाइज, नूर अभी 8 महीने की है. इस 8 महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि उसको वायरल हुआ. पहला वाला वायरल इस वाले के आगे तो मैं बोलूँगी कि बहुत ही माइल्ड था, फटाफट निकल गया. दोनों कबीर और नूर को इकट्ठे हुआ था कुछ महीने पहले. और ये वाला जो वायरल है, ये कबीर का तो फटाफट निकल गया, बट नूर को ये थोड़ा सा सिवियर बोलूंगी मैं. मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सिवियर होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, बट हाँ, एक बच्चे के लिए इतना लंबा वायरल चल जाना, इतना डिस्कम्फर्ट होना, मेरे अकॉर्डिंगली तो वो सिवियर ही है. तो मेन प्रॉब्लम इस बार वायरल की ये हुई कि शुरू तो वो सर्दी खांसी से हुआ जैसे होता है, बट वो उसके पेट में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गई. और इतनी लूज मोशंस हो रही थी कि उसको उसके बम एरिया में एक बहुत बड़ा रैश हो गया. मुझे काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए कि आप रैश पे घी लगाओ, किसी ने बोला कि आप जो मक्खन होता है वो लगाओ, किसी ने बोला कोकोनट ऑयल लगाओ, बहुत अलग अलग आइडियाज़ दिए. बट जब तक वो वीडियो लाइव हुआ था, मैं ऑलरेडी कुछ ट्रीटमेंट कर चुकी थी और उसके रिजल्ट्स मुझे दिख रहे थे, तो थैंकफुली दैट वर्क्ड वेरी वेल. सो अब बात आती है कि बेबीज को इस टाइम पे वायरल की वजह से या किसी टीदिंग की वजह से, किसी भी रीजन से अगर लूज मोशंस लग जाते हैं तो टिपिकली क्या होता है, लूज मोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है. सो देखो, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बेस्ट होता है कि अगर बेबी इस टाइम पे दूध ना ले, क्योंकि दूध क्या करता है कि लूज मोशन को और बढ़ाता है, यू नो, पेट को जाके और इरिटेट ही करता है. हाउएवर, हमारे साथ क्या हुआ कि क्योंकि नूर को इससे पहले सर्दी खांसी हुई थी, तो उसने सॉलिड्स छोड़ दिया था क्योंकि उसको पीने में दूध कंफर्टेबल लगता था. तो जब तक लूज मोशन लगे, वो दूध ज़्यादा पी रही थी और सॉलिड बिल्कुल नहीं ले रही थी. तो ना हम उसे नारियल पानी दे सकते थे, वो पानी का सिप भी नहीं ले रही थी. दही बहुत अच्छा होता है देना, खिचड़ी बहुत अच्छी होती है इस टाइम पे देनी, बनाना बहुत अच्छा होता है देना, बट आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दे सकते थे क्योंकि नूर ले नहीं रही थी. तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर ने करी, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा, वो उन्होंने कहा कि नूर मिक्स फीडिंग पे है, थोड़ी वो मेरी ब्रेस्ट फीड लेती है और बाकी का फॉर्मूला फीड लेती है. तो फॉर्मूला जो मैं उसको देती हूँ, वो देती हूँ नैन एक्सेला प्रो. तो डॉक्टर ने मेरे से ये पूछा और उन्होंने फॉर्मूला पार्ट को चेंज कर दिया नैन लोलैक पे. बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इसमें लैक्टोज की जो क्वांटिटी है वो कम है. तो लैक्टोज से भी क्या होता है कि पेट में जाके स्टमक में इरिटेशन होती है, तो अगर लैक्टोज की क्वांटिटी कम होगी तो स्टमक के लिए उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है. तो जैसे ही ये चेंज हुआ, मेरे को इमिजिएटली नूर के जो लूज मोशंस हैं उसमें फ़र्क दिखने लग गया. तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग जो आप याद रखना, कि अगर मोशंस लगें तो सॉलिड्स अच्छा है, अगर नहीं दूध पे ही है बच्चा, तो चेक विद योर डॉक्टर कि लैक्टोज वाला क्वांटिटी कैसे चेंज कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो उन्होंने करी, उन्होंने साथ में एक प्रोबायोटिक ऐड किया. तो प्रोबायोटिक मुझे उसको बस पिलाना होता था दिन में एक बार, जो बेसिकली क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है. लूज मोशन में क्या होता है कि आपका बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया दोनों पेट से निकल जाता है, तो बच्चे की बॉडी फाइट कैसे करेगी. तो 5 दिन का कोर्स था जिसमें कि प्रोबायोटिक लेने से उसकी बॉडी में जो हम गुड बैक्टीरिया है उसको बढ़ा रहे थे. तीसरी चीज़, उन्होंने एक जिंक ड्रॉप्स दिए, अगेन जाके सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जिंक ड्रॉप्स दिए जाते हैं. एंड चौथी चीज़, उन्होंने मल्टीविटामिन्स दी, बिकॉज अगर आपको इतने लूज मोशन लगते हैं तो फिर काफ़ी वीकनेस भी आ जाती है. एंड इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि बेबी डिहाइड्रेटेड हो जाए या बेबी इतना वीक हो जाए कि आपको उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़े. तो इस तरीके से लूज मोशन वाला पार्ट उसका काफ़ी हैंडल हुआ. 3-4 दिन वो परेशान रही, उसने दूध पे ही रही, बट 5वें दिन से उसने लकीली सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर दिया. तो हमने बहुत लाइट सॉलिड, जैसे खिचड़ी ही होती है, और खिचड़ी का भी जो पानी वाला पार्ट होता है वो हम उसको देने से हमने स्टार्ट किया. तो वो उसने अच्छे से एक्सेप्ट भी किया. अब बात आती है उसके रैश की. तो जो उसका रैश था, उस पर हमने एक रैश क्रीम लगाई, लकीली हमारे पास पड़ी हुई थी, जिसका नाम है डिस्टिन. तो वो रैश क्रीम ने उसके ऊपर जो काम किया, वो कोई भी और रैश क्रीम नहीं कर पा रही थी. तो हमने ऑब्वियसली लास्ट 3-4 दिन में काफ़ी कुछ ट्राई किया था, नारियल का तेल सब कुछ ट्राई कर लिया था, बट डिस्टिन रैश क्रीम ने इमीडिएटली जाके उस रैश को ख़त्म कर दिया. यू नो, टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे उसके लूज मोशन से ज़्यादा दर्द होता था उसका रैश देख के, कि वो जलता था बिल्कुल. सो मे बी अगर आपको भी ऐसा बहुत कुछ और एक्सपीरियंस हो रहा है अपने बेबी के साथ, तो आप ये रख सकते हो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा था.
तो ओवरऑल अब नूर की रिकवरी अच्छी हो रही है। इस टाइम पे आप बच्चे के वेट लॉस वगैरह की टेंशन मत लो, बस सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखो कि बच्चा फीड कर रहा है। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना छोटी छोटी फीड्स कराओ, इंस्टेड ऑफ बड़ी फीड हर 3-4 घंटे में, हर 2 घंटे में छोटी छोटी फीड्स दो, तो उससे बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। सो गाइज, आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प किया होगा। सर्दी खांसी तो सबको हैंडल करना आता ही है, बट पेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़्यादा ट्रबल्ड आई थिंक बच्चा भी होता है और पेरेंट्स भी डेफिनेटली फील करते हैं। बट आपको काफ़ी स्ट्रांग रहना है, आपका बेबी आपको इस टाइम पे बहुत वीक लगेगा, आपको लगेगा उसका सारा वेट इतने मुश्किल से चढ़ा था सब चला गया, बट कोई बात नहीं, सब कुछ वापस आ जाएगा, पहले उसकी हेल्थ बनने दो। तो या यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब रात के 10 बज चुके हैं, मैं रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस शूट करने वाली हूँ एंड इस महीने के एंड में कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, उसकी तैयारी भी चल रही है। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली हो जाए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, जहाँ मैं नूर कबीर के इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स डालती रहती हूँ कि यू विल जस्ट फॉल इन लव विद देम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एवरीबडी, बाय बाय।